संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग की। आम आदमी पार्टी मुख्यालय में आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार आगामी चुनावों में हार की डर से भयभीत है, इसलिए विपक्षी नेताओं को जांच एजेंसियों से डरा रही है। लेकिन आप कार्यकर्ता और नेता मोदी सरकार से डरने वाले नहीं हैं। हम डटकर सामना करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चाहे विपक्षी नेता हो या पत्रकार, सरकार के विरोध में बोलने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जांच एजेंसियों का मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। आतिशी ने कहा कि जांच एजेंसी के पास संजय सिंह के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सरकार के विरोध में बोलने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। आप नेता सौरभ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर विपक्ष जनता की आवाज उठा रहा है तो उन्हें झूठे मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। 2024 के चुनाव तक केंद्र सरकार कई विपक्षी नेताओं को जेल भेज देगी ताकि कोई जनता के लिए ना बोले, जिससे भाजपा आसानी से चुनाव जीत सके, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को संजय सिंह से शराब घोटाल मामले में ईडी ने पूछताछ की, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया।